नंगा, ये नंगा। ए, डिस्टर्ब काहे को किया? हीरोइन डांस करी थी ना मेरे साथ। अरे तेरी हीरोइन गई बाहर में, मक्खी से जो कर्जा लिया था वो अब तक चुकाया नहीं तूने? चुकाना तो था पर मैं भूल गया। वो यहाँ तुझे बहुत बड़ा अवार्ड देने आ रहा है। कौन सा अवार्ड? बॉम्बो अवार्ड। मैं तेरे को एक आइडिया बताता हूँ, वो धोकर मेरा मुंह काला करे, उससे पहले हम ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं। पकड़े गए ना, बिना पानी के धोएगा हमें। तुझे कितना भी धोए तू चमकने वाला नहीं है। सच्ची पता है छोटू, पिछले साल इससे ज्यादा मूर्तियाँ रंगी थी लेकिन आधी भी नहीं बिकी, और जो बिकी भी वो उधारी में, पैसा तो हाथ में आया ही नहीं। चलो जी कंगाल है। ओए, अरे रंगा, मक्खी वसूली करेगा, बाहर निकाल। ओए मक्खी वक्खी नहीं बोलना, मेरा पूरा नाम गवार राजू है, इज्जत के साथ नाम ले। आगे तुम ही बोल दो। ओए कैसे हैं आप गुरुजी? ओए गुरु क्यों बोला? कहते हैं जो राह दिखाता है वो गुरु होता है। रंगा को आपने उधार की राह दिखाई, आप उसके गुरु हो गए। ओ मुझे बातों से मत लुभा, वो किधर गया है? वो घर पर नहीं है, 3 दिन बाद घर आएगा। क्यों, वो कहीं भाग गया? हाँ। क्या बकवास कर रहे हो, मुझे मेरा पैसा चाहिए समझे। पैसे छापने की मशीन नहीं है मेरे घर पे, मैं पेंटर हूँ कोई प्रिंटर नहीं। इतनी बड़ी वानर सेना लेकर किसी के घर आना अच्छा नहीं लगता। और तुम शरीफ लोगों की यही प्रॉब्लम है, पैसे देने आया था तो मुझे सर पे बिठाया, अब तो बैठने के लिए भी नहीं पूछा। बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? और रंगा को ढूंढने के लिए मैं कहीं भी चला जाऊंगा। कहाँ? जेल में। बेल भी तैयार है। अंकल अपने बेटे का ऐसा ही पुतला बना के रख दे, कल तक पैसे नहीं दिए तो उसका काम तबाह। देखा गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया है। काले हो गए हो। सुनिए जी चाय गुरुजी को दो। अब ये कौन है? ये मक्खी सेठ है, भूल गई? हमारे बेटे को इन्होंने उधार दिया था। पैसे वापस मिले? पैसे मिले होते तो थोड़ी आते। हाँ, पता नहीं अब तुम्हारे पैसे मिलेंगे या नहीं। मैं कैसा लग रहा हूँ रे? ऐसा लग रहा है जैसे टूटी फूटी दीवार पे चूना लगाया हो। सच कहा, ऐसा लग रहा है मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी हूँ और तुम स्टैचू ऑफ गोबर लग रहे हो। अब ज्यादा फैलो मत, बदबू आएगी। छोटू कप पकड़। आवाज कहाँ से आई है? वहाँ पिछू से। क्या बात है भाई, पुतले भी मोबाइल इस्तेमाल करने लग गए। सब तेरे जैसे कंजूस नहीं होते। ए रंगा, वो मक्खी तेरे घर आई है। ओ लिबर्टी, जरा टर्न हो जाती। हाँ जी। ओ जी सफेद चूहा। मक्खी की नजर बाज की है। ए चल बे, अंकल ने हमें आउट कर दिया। ए पता ही नहीं चला तू घर कब आया। कल रात को आया। एक रात का शैतान एक सुबह का हैवान। मैंने तुम दोनों मुफ्त खोरों को घर से निकाल दिया था ना, सुनती हो? जरा भंगार वाले को तो बुला लो, मैं इन दोनों को बेच कर मक्खी सेठ का उधार चुका दूंगा। आपको चूना लगा रहे हैं। वो क्या बात कर रहा है? ब्लैक एंड व्हाइट भाग है। ओए, ओए रुक जा। अरे लोग वहाँ पर चूना लगाते हैं और तुम लोग मुझे गेयर वाली है ना। थैंक यू अंकल। अंकल साइकिल में चेन नहीं है। आ गया। ओए छुप गया है जी। आ जाओ देखो, मेरे धोबी बंदर को फोड़ रहे हैं। चलो चलो हटा दो। मारो। वो रहा, भाग कर कहाँ जाएगा, इधर आओ। जल्दी आओ, पकड़ लिया इसके अंदर। खाली ओए वो चूहा कहाँ गया? ओए उस बिल में। देख यार ओए इस बिल में, वो चूहे भागते रहता है। ओए इस बिल में है, जल्दी कर। ओए इस बिल में आ गया। एक नंबर का शाखा है, बिल भरने के बदले बिल में घुस के बैठा है। वो सब छोड़, तू इस बिल में, मैं उस बिल में। चल यहाँ दबी हुई चीजों को फुलाया जाता है। ओ हेलो वकील साहब, रंगा को रंगे हाथ पकड़ लिया, अब उसका काम तमाम। बोलिए कितने साल की लगेगी? सेठ, ओ मैं अंदर जाके रंगा से बात करके आता हूँ, आप यहीं रुकिए। हाँ। भाई साहब, क्या रंगा यहीं पर है? अभी तक तो है, 10 मिनट बाद नहीं रहेगा।
और यही है वो गोचू। हाँ मैं ही हूँ। दरअसल मुझे इससे अकेले में कुछ बात करनी है, बिजनेस के बारे में। बिजनेस? हाँ जी। तू जा रहे? मेरे साथ आओ। इसको जाने क्यों दिया? और डील मतलब पैसा? मेरा नाम गिरिधर है और वो है हमारे दामोदर सेठ, दुबई रिटर्न। नमस्ते भाई साहब। मिल्क शेक है? चॉकलेट शेक। इन्हें मुझसे क्या काम है? वो मैं तुम्हें बताता हूँ। इनके पास वेरेंगल में 30 एकड़ की जमीन है जो बहुत डिमांड में है। अगर आज तुम ये जमीन 30 लाख में खरीद लो और जब तुम इसे बेचोगे तो तुम्हें 1.5 करोड़ का फायदा होगा। 1.5 करोड़? सही सुने हो। उस जमीन के पास कब्रिस्तान है क्या? राज की बात है, इस जमीन से लगकर जो हाईवे बनने वाला है वो सीधा बैंकॉक थाईलैंड जाएगा। लेकिन ये जमीन तुम मेरे पास ही बेचने क्यों आए हो? क्योंकि मुझे सुनने में आया है तू हैदराबाद का सबसे बड़ा झोलर है, इसमें मेरा भी तो फायदा है। जब जेब में रिक्शा के लिए 30 रुपए नहीं, इसे 30 लाख कहाँ से देंगे? ये जमीन का भाव आसमान छू रहा है, तेरी किस्मत अच्छी कि तुझे कम में मिल रहा है। खरीद ले इसे, करोड़पति बन जाएगा। शौचालय जाने के लिए 5 रुपया नहीं है, तुझे 30 लाख कहाँ से दूँ? किसी से उधार ले ले। अरे मैं खुद उधारी पे जी रहा हूँ, मंदिर मस्जिद के बाहर खड़ा रहता हूँ तब मेरा जुगाड़ होता है। टीचर नंबर वन, तुझे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। देख रंगा, ये बहुत ही फायदे का सौदा है, कुछ गिरवी रख दे। खुद को रख दूँ? कोई बकरा ढूंढ। सारे बकरे हलाल हो चुके हैं, नया मुर्गा कहाँ ढूंढूं? मैं हूँ ना। बर्ड फ्लू है तुझे? वो चिड़ियाओं में है। तेरा काम कर दूंगा, शहर देना पड़ेगा। गेंडे की मुंह वाला, शेर की बात कर रहा है। पहले ही 3 लाख डूब गए, फिर से डुबा रहे हो, पैसों से प्यार नहीं है क्या? कान का पानी कैसे निकालते हैं? उसमें और पानी डाल। ये भी उसी तरह है, वो चूरन खिला रहा है। इसमें नई बात क्या है? पता है मेरे बाप कौन है? कौन है? ओए मुझे भी नहीं पता। और डील डन है। तो मेरा कमीशन? वो भी यही देंगे? तो मैं रजिस्ट्रेशन का काम निपटाता हूं। मक्खी, मैं तुम्हें जलेबी की चाशनी पिलाऊंगा। मेरे पास ना वोटर कार्ड है, ना राशन कार्ड है, ना ही आधार कार्ड है, लेकिन मेरे पास मक्खी कार्ड है। ए, हम लोग बड़ा कांड करेंगे अंडर रंगा एंटरप्राइजेस। कांड बाद में करना, पहले अपना कार मेरे पास गिरवी रख। गिरवी रखना पड़ेगा? तुम्हारी बहन की शादी के लिए घर रखा था, अगर ये भी चला गया तो उसकी शादी कैसे होगी? इसे बेच नहीं रहा हूँ माँ, बस गिरवी रख रहा हूँ मैं। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा माँ, सिर्फ 1 महीने की बात है, फिर हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। पहले हमारे पास सब कुछ हुआ करता था, लेकिन अब तो हमारी हालत पता है ना? तुम भी ना, सूरज को भी शाम होते होते ढलना ही पड़ता है। कोई भी ऋतु 3 महीने से ज्यादा नहीं टिकती, और हम तो इंसान हैं, एक ही दशा में सालों साल कैसे टिके रह सकते हैं? इसी का नाम जिंदगी है, बदलाव जरूरी है। लेकिन मेरी बात तो माँ, हमने हर मुसीबत का सामना किया है, आज अगर भैया की मदद हम नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी आकर करेंगे? बेटी, तुम्हारी माँ बस इसलिए परेशान है क्योंकि सालों पहले मैं अपना कारोबार गिरवी रखकर उसे गंवा चुका हूँ। अब अगर ये इकलौता घर भी हमने गिरवी रख दिया तो क्या होगा, हमारा यही सोच रही है वो। लक्ष्मी, जब तक हम अपने दुखों की पोटली बांधे रखेंगे तब तक नई खुशियाँ कैसे आएंगी? अगर हम अपने अतीत को नहीं भूलेंगे तो भविष्य के बारे में कैसे सोचेंगे? मक्खी सेठ, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, बहुत ही मेहनती बेटा है मेरा। ऊपर वाला जरूर एक दिन इसका भला करेगा। लाइए साइन कर दूं। शुक्रिया पापा। अरे अब रुलाएगा क्या? तुम्हारा पार्टनर रंगा यहाँ क्यों नहीं आया? मेरा पार्टनर बड़ा चूहिया है, 30 लाख के 300 करोड़ कैसे बनाए, उस जुगाड़ में लगा। अच्छा, ये बात है। सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं। इस पे साइन कर। हाँ। ए, पसीने की छूट रहे? ऐसे पसीने तो कुछ कांड करने पे छूटे, आपने किया क्या? उंगली करने में बहुत फास्ट हो। अच्छा, हम चलते हैं, पता नहीं अपनी मुलाकात होगी भी या नहीं। क्या मतलब, ये दुबई में रहते हैं ना? अरे इनको देख के ऐसा लगता है ये जन्म से ही कोलीवाड़ा में रहते आए हो। ये जमीन बिक जाए फिर मैं अंबानी को चाय पे बुलाऊंगा। ए, किधर है वो? ओ, देखो। तीस एकड़ की जमीन तूने खरीदी है क्या? महिला, पहला गिराई का आ भी गया। रंगा, तेरा जवाब नहीं, अब अंबानी ब्रदर्स की तरह हमारा भी रंगानी ब्रदर्स नाम होगा। आपका नाम क्या है? चिट्टू चिंगम। ए? चिट्टू चिंगम, ये कैसा नाम है? चिट्टू चिंगम, ए बचपन में बहुत चिंगम चिपकाए होंगे। ए, चिंगम निकालने के लिए इतना बड़ा कोयता गायको। ए, अच्छा बताइए, असली वाला है या नकली वाला है? ट्रायल देख ले। ऐसा लगता है पूरा बस स्टैंड बस के अंदर ही खड़ा है।
आप यहाँ बैठ जाइए। अरे बैठा रे, अगर मैं बैठूंगी तो तू क्या मेरी गोद में आके बैठेगा? मैं सब जानती हूँ, मेरी जैसी कौली ककड़ी को काटने चला है। रोको! ए सूर्य देवता, मुझे बंगला दिलाओ, बैंक बैलेंस दिलाओ, एक बाइक दिलाओ और पीछे चिपकने वाली एक लड़की भी दिलाओ। अगली बार बस से नहीं, शेयरिंग ऑटो से आऊंगा। ये क्या है? पीछे बैठने वाली लड़की मांगी थी, कोई बदसूरत लड़का नहीं, लग गई पनौती। गांव तो पहुंच गया, पता लगाता हूँ जमीन कहाँ है। हे सूर्य देवता, रोज आप मेरी क्यों मारते रहते हो? एक बार मार के खत्म करो ना प्लीज। वरुण, वरुण, ए वरुण, इधर इधर जल्दी पुलिस की रेड निकली। इधर, मैं पीछे के दरवाजे से भागूंगा। इधर आ, अबे तू हिल रहा है, क्या हो गया रे? मेरी एक छोटी सी मदद करना। कैसी मदद? वो बाहर खड़ा लल्लू दिख रहा है, अचार दिख रहे हैं, उसे 5 मिनट में गायब कर। कहना है क्या? अरे नहीं नहीं, जानी दुश्मन है? नहीं भाई, दोस्त है। हम इतने करीब हो गए थे कि उसने करीब से ही मेरी मार ली, तब से मैं इससे पीछा छुड़ा रहा हूँ। तुम कहते हो तो मैं उसे प्लेन के नीचे धक्का मार देता। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, अगर वो पूछे तो कह देना मैं घर छोड़कर चला गया। और बदले में मेरे को क्या मिलेगा? एक क्वार्टर चलेगा। इतना बड़ा काम करने के लिए सिर्फ एक क्वार्टर? तो आधा चलेगा। आधे से मेरा क्या होगा, मेरे को 2 क्वार्टर चाहिए। 2 क्वार्टर ठीक है, दे दूंगा, अब जा। अब इसको बताता हूँ, ये बस शायद मेरी मंजिल तक जाए। अरे अरे रुक रुक, नीचे उधर, मुझे तेरे को बताना है। तू इस बस से नहीं अगली बस से जाएगा। अगली बस में क्यों जाओ रे? बस में कंडक्टर है, ड्राइवर है और बैठने की जगह भी तो है। पर बस नहीं है। अच्छा, मुझे क्यों रुकाया तूने? अगर तू ही ऐसे चला जाएगा तो मेरा 2 क्वार्टर मुझे कहाँ से मिलेगा? और वो तुझे कौन देगा? तुम्हारा दोस्त वासु। वासु, ये कौन है? सचिन पूछ रहा है कि कामली कौन है। जय भूल गया कि वीरू कौन है? पहले सीधा खड़ा रहे, पहेलियां बुझाना बंद कर और बता वासु कौन है। जब मैं छोटा बच्चा था, मैं और मेरा छुटकू दोस्त ये गाना गाते थे। हम दोनों साथ में उठते थे, नहाते थे, टिफिन खाते थे, पढ़ते थे और फेल हो जाते थे। पर आज इस गाने ने मेरे दिल के तार छेड़ दिए। पर अफसोस ये है कि वो चल बसा। चल नहीं बसा, वहाँ बसा है। अरे अरे, अरे वासु, वो तेरा दोस्त वासु है क्या? हाँ ना, वही तो मेरा छुटकू वासु है। उसने बोलने को बोला कि वो घर छोड़ के चला गया। मतलब बिना किराए के मैं रह सकता हूँ? हेलो, तो मैंने आज से ये घर ले लिया, रेंट के नाम पे ठेंगा दे दिया। खिड़की बंद करके कोई छुपता है? वासु, अरे वासु तो फिर से जिंदा हो गया। भगवान ने एंट्री नहीं दी इसलिए वापस आ गया। जब टोनी पिंक और राजू को बताऊंगा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। क्यों? उन्होंने तेरे नाम पर 10 लाख का कर्जा लिया था। हा? जब उन्हें पता चलेगा तू जिंदा है तो वो लोग मुझे पार्टी देंगे और कर्जा लेने वाले को तेरा पता।